नमस्कार दोस्तों, मैं profilfutures.com के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग मेरा चैनल और जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग इस सीरीज में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 जनवरी 2017 से कर रहे हैं और कंटिन्यूस आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं। एक ही आईडी के ऊपर में अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको दिखा रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग वीडियोज के साथ साथ में अकाउंट स्टेटमेंट का भी वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है। एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में काम करने का उन्हें किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं यही बताने का कोशिश ये इन सभी वीडियोज में मेरे द्वारा किया जाता है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने 1 मार्च 2017 को क्या ट्रेड लिया। चलिए शुरू करते हैं। मैं G6JN22 इस आईडी को लेकर के काम करता हूँ दोस्तों, G6JN22। और कैरी फॉरवर्ड में मेरे ऑर्डर्स होते हैं, सभी ऑर्डर्स पेंडिंग में लगते हैं। 3627 पर मुझे बाइंग कॉल मिला है, GT7 में ऑर्डर लगा रहा हूँ, यानी कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। 3627 देखिए, ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। 1032 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है दोस्तों। जैसे ही ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मैं एशर लगा दूँ और मैं टारगेट लगा दूँ, राइट। तो G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ इसे कैरी फॉरवर्ड। टारगेट प्राइस, ट्रिगर प्राइस मेरा एसएल में लगा रहा हूँ 3579 का। एसएल मेरा है 3579 का, एक लॉट 3579। इस अकाउंट में 1,00,000 रुपये है दोस्तों, इसीलिए 1 मेगा लॉट पे काम हो रहा है। ये देखिए मेरा अभी एसएल लग गया, पेंडिंग में है। अब मैं टारगेट को भी लगा देता हूँ, G6JN22 इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड 3675 का मेरा टारगेट है दोस्तों, राइट। 1 लॉट 3675, राइट। 3579 का एसएल, 3675 का टारगेट। देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या होता है, इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये देखिए सबमिट ऑर्डर, और ये ऑर्डर अभी आपको पेंडिंग में दिखा रही है, राइट। अब मैं आपको तीनों भी चीजें दिखाऊंगा, ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, ट्रेड बुक भी दिखाऊंगा और इंटीग्रेटेड प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप समय देख लीजिए, 1 मार्च 2017 10:41 AM। ऑर्डर बुक में देख लीजिएगा, जो हम लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगाई है 3627 पर वही एग्जीक्यूट हुई है। 3579 के एसएल की ऑर्डर पेंडिंग में है, 3675 के टारगेट की ऑर्डर भी पेंडिंग में है, राइट। ट्रेड बुक में देख लीजिएगा, एक ही ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट हुई है 3627 पर, राइट। एब्सोल्युटली राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रेड। अभी तो इंटीग्रेटेड प्रॉफिट में 200 रुपये माइनस में दिखा रहे हैं दोस्तों, 3625 3624 चल रहा है दोस्तों, 547 हो रहा है। और मुझे अभी यहाँ पर मैं एसएल को मॉडिफिकेशन करने का मुझे सिंबल मिला है, इंडिकेशन मिला है मेरे चार्ट से 3616। अभी ये एसएल मॉडिफाई हो रहा है दोस्तों। मैं मेरे चार्ट्स कहीं पर भी नहीं दिखाता हूँ, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ पेड क्लाइंट्स को होता है, ठीक है। अभी देखिए 8:12 हो रहा है, 3616 का हम लोगों ने मॉडिफाइड एसएल लगाया है। अभी ये दोबारा से और एक बार इसे मॉडिफाई हम लोग करेंगे। देखिए हाई देखिएगा, 3639 का हाई लग चुका है और 3618 का ये अभी मॉडिफाई हो रहा है दोस्तों एसएल। अभी देखिए इन्वेंट्री है, अभी 9:00 वैसे इन्वेंट्री रहेगी, पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे हैं इन्वेंट्री में। मेरा ट्रेड क्या हो रहा है आप एक बार जरा देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, मेरा एसएल यहाँ पर मैं ट्रिगर हो गया है 925, राइट। इन्वेंट्री के बाद में मेरा एसएल ट्रिगर हुआ और अब यहाँ से मुझे क्या करना है, थोड़ी देखिए 900 रुपये का लॉस हुआ है दोस्तों इस ट्रेड में। और 1029 दोस्तों मुझे यहाँ पर अभी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं तुरंत उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, G6JN22 1029 925 को मेरा एसएल ट्रिगर हुआ और 1029 को मुझे और एक सेलिंग ऑर्डर मिली 3606 पर, एक ऑर्डर मैंने लगा दी GTC 1 लॉट, ओके। अभी और अभी ये पेंडिंग दिखा रही है, देखते हैं कितने बजे तक पेंडिंग रहती है और कितने समय तक पेंडिंग रहती है दोस्तों। देखिए एग्जीक्यूट होगी 1038 को, राइट। अब मैं एसएल और टारगेट लगा देता हूँ, G6JN22 राइट। इंट्राडे को मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड दोस्तों। ये वीडियो अगर आप नीचे यहाँ पर मैं HD में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसे HD में भी देख पाएंगे, आंकड़े क्लियर दिखेंगे। 3655 का मेरा एसएल है GTC,
G6 GN22 कैरी फॉरवर्ड राइट। अब देखते हैं इन्वेंट्री के बाद में, तो हम लोगों ने स्ट्रेट को लगा लिया है। अभी मैं सबसे पहले एसएल लगवा देता हूँ दोस्तों, एसएल में लगा रहा हूँ G6 GN22 का, ठीक है, और एसएल है 3557 का राइट। 3557 का मेरा टारगेट है, एसएल में लगा चुका हूँ 3655 का, जीटीसी एक लॉट 3557 का मेरा टारगेट है। अभी आप देख सकते हो सुबह हम लोगों ने 27 पर बाय किया था, जिसे 75 का टारगेट लगाया था, 18 का मॉडिफाइड एसएल लगाया 1042, जिसमें हमारा मॉडिफाइड एसएल ट्रिगर हुआ इन्वेंट्री के बाद। इन्वेंट्री में हाई उसने 47 का लगाया, उसके बाद में इन्वेंट्री के बाद 920 को मेरे पास में सेलिंग कॉल जनरेट हुआ 3606 पर, जो मैंने लगा दिया, जो कि एग्जीक्यूट भी हो गया। उसका एसएल हम लोगों ने लगाया 3655 और उसका टारगेट हम लोगों ने लगाया 3557। देखते हैं इस ट्रेड में अभी क्या होता है। उम्मीद तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि अभी टारगेट आएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर अभी टारगेट आ जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर अभी टारगेट नहीं आता है तो देखते हैं कल क्या होगा। अभी देखिए ट्रेड बुक देखिएगा दोस्तों, ट्रेड बुक में आपको तीन ऑर्डर्स दिख रहे हैं, एक जो हम लोगों ने सुबह बाय की थी 3627 पे, उसके बाद में जो हम लोगों का मॉडिफाइड एसएल ट्रिगर हुआ वो 3618, और उसके बाद में 3606 का सेलिंग ऑर्डर दिख रहा है। अभी तक ओवरऑल लॉस 1000 रुपीज़ दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी 3607 आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। देखिए 1154 हो रहा है और मार्केट अभी तक उसी जगह पर है, अभी एक मिनट में मार्केट बंद हो जाएगा। ना ही इसने हमारा टारगेट दिया, ना ही हमारा एसएल लिया, और हम लोग, मेरा रूल तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग शायद नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए मैं अपना पहला अपना रूल बता दूँ, लूँगा तो पूरा टारगेट, नहीं तो एसएल दे दूँगा, ठीक है, ये मेरा रूल है और मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। देखते हैं अभी इस केस में क्या हो रहा है। मार्केट क्लोज हो गया दोस्तों, देखिए 1155 मार्केट क्लोज हो गया, 3605 की क्लोजिंग है राइट। अभी ये आप ऑर्डर बुक भी देख लीजिएगा, ऑर्डर बुक में देखिए 27 पे पहले बाय किया था, जिसका मॉडिफाइड एसएल ट्रिगर हुआ, टारगेट जो लगाया तो कैंसिल किया, 3606 पे फिर दोबारा सेल किया, 3655 का एसएल लगाया है और 3557 का टारगेट लगाया है, दोनों में से कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ। ट्रेड बुक में देखिए 3627 पर बाय, 3618 पर मॉडिफाइड एसएल ट्रिगर्ड एंड 3606 के ऊपर में दोबारा से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। अभी तक इस ट्रेड में लॉस -800 दिखा रहा है, जो कि ब्रोकरेज ऐड होकर के और दिखेगा और आएगा, वो आपको खैर अकाउंट स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा जब मैं अकाउंट स्टेटमेंट का भी वीडियो बनाऊंगा, कल परसों में बढ़ा ही दूंगा दोस्तों, 3 तारीख आ ही रही है। अब मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ, दूसरे दिन आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है, और आप सभी का दोबारा से एक बार स्वागत है 2nd of March को। एक मिनट बाकी है दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कल रात में मार्केट प्राइस बहुत नीचे गिरा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज यह भी हमारा मार्केट भी नीचे ही खुले। देखिए उम्मीद के मुताबिक 10:01 ओपन है वैसे 91 का, हाई भी है, हाई कितने का है एक सेकेंड आपको हाई भी बता देते हैं, हाई भी है 91 का, ठीक है, अभी तक कोई दूसरा हाई लगा नहीं है, ओपन और हाई अभी तक सेम है, ना ही हमारा एसएल लिया है, ना ही हमारा टारगेट लिया है अभी तक, मुझे ना ही तो मॉडिफिकेशन ऑफ द एसएल का कोई वैल्यू मिला। और देखिए ट्रेड खुलते ही हम लोग 1700-1800 रुपये ओवरऑल में प्रॉफिट में दिखा रहे हैं। कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड करने से डरते हैं, घबरते हैं, देखिए दोस्तों ऐसा प्रॉफिट भी होता है, हाँ कुछ समय पर लॉस होगा, उस लॉस को बियर कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से ही डरोगे तो फिर किस तरीके से होगा ना, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। 3:03 हो रहा है दोस्तों, देखिए 95 का हाई लग चुका है और 70-71 चल रहा है, और अब मुझे यहाँ पर मेरे एसएल को मॉडिफिकेशन करने का इंडिकेशन मिल गया है। अब मैं मेरा एसएल को मॉडिफाई कर दूंगा 3600 पर, 3657 3665 से, ठीक है, अब मैंने मेरे एसएल को मॉडिफाई कर दिया है, और ना ही तो अभी तक मॉडिफाइड एसएल ट्रिगर हुआ है, ना ही अभी तक टारगेट आया है, 70-80 का कुछ भाव चल रहा है, 70-71-72 दोस्तों, 68 का लो है अभी तक, ठीक है, 3200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो मेरा रूल है ना, मेरा रूल जैसे आप जानते हो 3557 पर ही मैं टारगेट बुक करूंगा दोस्तों। देखिए 64 का लो लग चुका है 6:16, और अब यहाँ पे दोबारा से मेरा एक बार मॉडिफाइड एसएल हो रहा है, 3580 मुझे करना है, लेकिन 3580 मुझे करना है, मैं तुरंत कर देता हूँ एक सेकेंड, ओके
ओ माय गॉड। ओके दोस्तों, ये 3680 हो गया है। मैं इसे भी पहले कर दूँ। सबसे पहले आप टाइम देख लीजिएगा, ये लो इसका 64 का है, ठीक है। अभी 66 67 चल रहा है, 3700 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं सबसे पहले इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। 95 का हाई लग चुका है, राइट। 62 का लो है, और ये अभी भी 3680 है। इसे मुझे 3580 करना था दोस्तों, बाय मिस्टेक हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 3580 मुझे करना है इसमें, राइट। 3580 है ना। ओके अभी 3580 का मॉडिफाइड एसएल है दोस्तों। देखिए 60 का लो लग चुका है, 57 का हम लोग का टारगेट है। 60 का लो लगा दिया इसमें, 3 पॉइंट दूर है अभी हम लोग हमारे टारगेट से। और उसके बाद में भी देखिए 6:31 पे इसने 60 का लो लगाया है। 64 का लो तो इसे काफी पहले लग चुका था, उसके बाद में काफी ऊपर भी गया, 70 71 74 तक आया। और लेट्स सी 58, बस 1 पॉइंट से दूर है दोस्तों टारगेट के लिए। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। लेट्स सी ओके 57 का बाई प्राइस लिया है, लेकिन अभी तक हमारी ऑर्डर नहीं ली, एलटीपी नहीं आया है। लेट्स सी 636। ओके ओके यस दोस्तों, देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है। 49 का लो लग चुका है वैसे, है ना। और अब मेरा काम क्या है, मॉडिफाइड एसएल यानी कि जो पेंडिंग ऑर्डर से उन्हें मैं कैंसिल कर देता हूँ, है ना। इसी तरीके से काम चलता है। 6:37 का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हो 49 का अब तक का लो लगा है, और 54 55 अभी चल रहा है। हम लोगों का 57 का टारगेट। कल हमें 900 रुपये का लॉस हुआ था, उसके बाद में सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट हुआ। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कल इन्वेंट्री ऊपर है, बाय कर लो, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग टेक्निकल को फॉलो करते हैं, चार्ट को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलते हैं। देखिए ट्रेड बुक में आज सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ है। हम लोगों ने बाय कर लिया जो कल सेल किया था। 4700 रुपये का प्रॉफिट वैसे अभी ओवरऑल में दिखा रहा है दोस्तों। 4700 एक ट्रेड में मिला है, ऐसा हर बार नहीं मिलता। कभी कभार जाते हैं, कभी कभार आते हैं। ट्रेडिंग को समझिए दोस्तों, मैं बस सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि ट्रेडिंग को समझिए, एक स्ट्रेटेजी को लेकर के काम करिए, ठीक है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अभी मैं आपको कल बहुत ही जल्द, कल 3 तारीख को मेरा अकाउंट स्टेटमेंट रिलीज करने वाला हूँ। अगर पिछले 2 महीने में अगर आपने कभी ग्रुप में ट्रेड किया है, स्पेशली 19 जनवरी के बाद, तो आपको पता चला होगा कि किस तरीके का क्रूड रेंजबाउंड मार्केट था। उसके बावजूद हम लोग जो पहला महीना था 3 जनवरी टू 3 फरवरी, हम लोग केवल मात्र 2400 रुपीज माइनस में थे। इसके अपोजिट में जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ढेर सारा लॉस करवा लिया, कुछ लोग जब मुझे फ़ोन आता है, बातचीत होती है, तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपना अकाउंट को भी जीरो करवा लिया, और हम लोग 24 पॉइंट माइनस में थे इस महीने में। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ में क्या क्या हुआ है, लेकिन हम लोग लगभग लगभग 13 to 14 thousand कुछ प्लस में है, माने 13 to 14% हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट निकाला है। वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, कल या परसों में वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें मैं समझाऊंगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आप सचमुच में इस चीज़ को लाइक करें जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, है ना, जो लोग आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उन लोगों को भी रिकमेंड करें, बताएं उन लोगों को कि इस तरीके से हम लोग लाइव ट्रेड के वीडियो डाल रहे हैं, कंसिस्टेंट डाल रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं लगता है दोस्तों, ये यूट्यूबर जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, और बाद में जो बहाना देते हैं कि ट्रेड करते समय में वीडियो नहीं बना पाए, एक क्लिक से वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है दोस्तों। अगर किसमें सचमुच में इतना पोटेंशियल है, तो वो अपना वीडियो बनाए, लाइव ट्रेड की वीडियो बनाए, अकाउंट स्टेटमेंट लेजर अपलोड करे। कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड दिखा देने से कुछ नहीं होता। लेजर को अपलोड करे, ताकि जो व्यूअर जो देख रहे हैं उन्हें पता चले कि क्लैरिटी मिले कि हम लोग किसे फॉलो करें और किसे हम लोग फॉलो ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, और हम लोगों ने जो पहल की है, हम लोगों ने जो शुरुआत की है, ये अगर आपको पसंद आई, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। और इस वीडियो को उन लोगों तक आप शेयर करें, इस चैनल को उन लोगों तक आप शेयर करें जो कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।